भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मतदान पश्चात एग्जिट पोल के सामने आए अनुमानों को भाजपा के लिए उत्साहजनक बताते हुए कहा कि ये अनुमान इस बात के प्रमाण है कि भाजपा ने भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के निर्णय का धरातल पर रहकर सटीक आकलन किया है। श्री देव ने कहा कि भाजपा अपने लक्ष्य अब की बार 400 पार को हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक सशक्त सरकार के साथ सत्ता में लौटेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि एग्जिट पोल के ये आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के अपने उद्घोष में निहित सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम किया है और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी जैसे मिथक को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील होते देखना भारतीय जनता पार्टी ने कर सुखद संदेश संकेत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने छत्तीसगढ़ के सभी 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को अभूतपूर्व जन समर्थन मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर कांकेर राजनांदगांव महासमुंद दुर्ग रायपुर बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जांजगीर चांपा और सरगुजा लोकसभा की जनता जनार्दन ने पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में भारी संख्या में जो स्वस्फूर्त मतदान किया उससे भाजपा का यह विश्वास फलीभूत हो जाए होने जा रहा है कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के बल पर भाजपा का राजनीतिक पराक्रम छत्तीसगढ़ में 4 जून को दृष्टिगत होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने आगे कहा छत्तीसगढ़ के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संपन्न तीनों चरणों के मतदान के रुझान से स्पष्ट हो गया था कि प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जन समर्थन जुटाया और भाजपा की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी है। यह स्पष्ट है कि देश और प्रदेश एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त व सक्षम नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार के नेतृत्व में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ कदम ताल करने का ख्वाहिशमंद है। देश में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे निश्चित रूप से फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।